हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पॉइंट आता है बी वाला हमारा, वो है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, विभागीय संगठन संरचना। अब यहाँ पर हमें लिखा है संगठन संरचना के इस प्रारूप के अंतर्गत संपूर्ण उपक्रम को छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर विभाजित कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें जो वर्क दिया है स्ट्रक्चर दे रखा है, फर्स्ट वाला जो दिया था क्रियात्मक वो कामों के हिसाब से अलग अलग करना था, और ये वाला जो है ये विभाग डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें अपना जो कंपनी है फैक्ट्री है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटना है, छोटी छोटी इकाइयों में या फर्मों में बोल सकते हैं हम लोग। अब क्या है यहाँ पर कि इसमें पूरे उपक्रम को वस्तुओं के आधार पर अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। वह जिस हिसाब से वस्तुएं हैं, जिस हिसाब से काम है, जिस हिसाब से सामान है, उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट को आप अलग अलग कर दो। आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु विभाग से संबंधित क्रय विक्रय विज्ञापन उत्पादन वित्त प्रबंधक अपने विशेष अधिकार आदि कार्य उस विभाग प्रबंधक की देखरेख में संपन्न किए जाते हैं। परचेस सेलिंग एडवर्टाइजमेंट मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस ये सारी चीज़ें किस में है, उस डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें दिया है शेयर होल्डर कंपनी के ओनर मालिक बोल सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये उनसे नीचे के मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं के अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, ये फैसले लेने का काम करते हैं, डिसीजन लिया जाता है कंपनी। फिर आता है नेक्स्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी के चलाने के लिए जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं इन्हीं लोगों के द्वारा लिए जाते। अब इसके बाद आते हैं, पहला होता है इंजन डिवीजन, दूसरा होता है बॉडी डिवीजन। नॉर्मली बात है, एक गाड़ी का एग्जांपल ले लेते तो गाड़ी में इंजन और बॉडी दोनों जरूरी होता हैगा, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि इंजन रख दिया तो बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी और बॉडी रख दी तो इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हैगा, दोनों चीज़ जरूरी। तो यहाँ पर क्या करा है, एक डिपार्टमेंट इंजन डिपार्टमेंट बना दिया और दूसरा डिपार्टमेंट बॉडी डिपार्टमेंट बना दिया। अब इंजन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट। फिर यही सारी चीज़ें किसमें दी गई है, बॉडी डिपार्टमेंट में भी दी गई है। अब क्या रहता है बोल सकते हैं हम कि एक ही काम है वो अंदर भी होता है और वही काम बाहर भी करा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसके दो चीज़ बनाए गए हैंगे, मतलब एक ऐसा है कि जहाँ माल बन रहा है वो, और दूसरी चीज़ माल की कौन सी मांग है वो, दोनों चीज़ सेम हैगी, ठीक है ना। माल ही बन रहा है आपका, लेकिन कब कहाँ कैसे बनाना हैगा क्या करना है ये दोनों चीज़ अलग अलग करके उसको डिपार्टमेंट में बांट दिया हैगा। तो डिवीज़न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता हैगा विभागीय संगठन संरचना, विभागों में डिपार्टमेंट में अलग अलग आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांट दो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अदर डिज़ाइन और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सी नंबर का दिया है हमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन में चला जाता है, संगठन का सबसे प्राचीनतम प्रारूप है। संगठन की इस पद्धति में एक मुख्य अधिकारी आदेश जारी करता है जो विभिन्न निम्न अधिकारियों से श्रमिक तक पहुंचता हैगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक लाइन की तरह, जैसे आपने अभी अली वाला स्ट्रक्चर देखा होगा तो इसमें ऊपर से नीचे आने के बाद में फिर दो लोगों में बढ़ गया, फिर वो अलग अलग लोगों में बढ़ गया, नहीं, लाइन स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि वो ऊपर से नीचे तक सीधी ही आता हैगा। मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, फिर मैनेजर्स हो जाएंगे, सुपरवाइजर हो जाएंगे, वर्कर हो जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे तक आइट साइड कहीं भी नहीं जाता हैगा। नेक्स्ट आता है डी वाला हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, रेखा एवं कर्मचारी संगठन, रेखा संगठन और क्रियात्मक संगठन का मिश्रित रूप है। अब ये जो वाला दिया लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका लाइन वाला और फर्स्ट वाला जो दिया पढ़ा था हमने उसका दोनों का क्या आएगा, मिश्रित हैगा, मतलब मिक्स करा हुआ है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और लाइन ऑर्गेनाइजेशन को इसने मिक्स कर दिया हैगा। लिखा है रेखा संगठन तथा क्रियात्मक संगठन के लाभों को लेकर और उनके दोषों को दूर करके इस प्रारूप का विकास किया गया है। यह पद्धति उपक्रम के विभिन्न तत्वों में संतुलित संबंध बनाए रखती है। इस पद्धति के अंतर्गत विभागीय प्रमुखों के साथ तकनीक विशेषज्ञ रखे जाते हैं। ये विशेषज्ञ विभागीय प्रमुख को निर्णय लेते समय केवल परामर्श देते हैं, इन्हें कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते।
अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एडवांटेज थे वो तो हमने रख लिए, ठीक है ना, बट जितने भी डिसएडवांटेज थे उन दोनों को दूर करने के लिए क्या बना दिया गया है यहाँ पर, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कमी तो सभी में होती है, ठीक है ना, कितना भी अच्छा काम हो, कितना भी परफेक्ट काम हो, उसमें कमी मिली जाती है, तो यहाँ भी वैसा ही हैगा, ठीक है ना, कि जितने भी एडवांटेज थे दोनों में वो तो हमने रख लिया, पर डिसएडवांटेज को हमने क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया हैगा। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया हैगा, सबसे पहला नाम है जनरल मैनेजर। अब यहाँ पर जो भी चीज़ हो रही है वह जनरल मैनेजर, फिर आपको नीचे दिया पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और असिस्टेंट टू जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर है कंपनी का जो मैनेजर है उसके पास भी कितने डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट, ठीक है ना, पहला आएगा रिलेशन ऑफिसर जो उसके साथ में है और दूसरा असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है ना। अब जनरल मैनेजर किसको, कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वर्क मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, तीन मैनेजर को वो जनरल मैनेजर संभाल रहेगा। जनरल मैनेजर को दो ऑफिसर तो भैया पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर का काम कर ही रहेंगे, बाकी जनरल मैनेजर के अंडर कितने ऑफिसर हैं, तीन, एक वर्क्स मैनेजर, एक फाइनेंस मैनेजर और एक मार्केटिंग मैनेजर। अब वर्क मैनेजर के अंडर कौन कौन काम करता है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, प्लांट मैनेजर और प्लांट मैनेजर, मतलब फर्स्ट और सेकेंड अगर दो तीन प्लांट हो तो, ठीक है ना, ये किसके अंडर काम करते हैं, वर्क मैनेजर। अब फाइनेंस मैनेजर के अंडर कौन कौन काम कर रहा है, फाइनेंस एडवाइज़र, लीगल कंसल्टेंट्स और असिस्टेंट फाइनल मैनेजर। फिर नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर के अंडर कौन कौन काम कर रहा है भैया, मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट, एडवर्टाइजमेंट कंसल्टेंट और असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। ये लोग सबके अपने अपने एक डिपार्टमेंट बांट दिए गए और सबको अपना अपना काम दे दिया गया, सब अपने अपने काम के हिसाब से ही अपना, सॉरी, अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से ही अपना काम करते हैं। तो इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर वाला पॉइंट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब संगठन की संरचना औपचारिक या अनौपचारिक भी हो सकती है, मतलब फॉर्मल भी हो सकती है इनफॉर्मल, मतलब जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है आप उसको फॉर्मल भी बोल सकते हो और इनफॉर्मल भी, दोनों तरह का हो सकता है। यह पूर्णतः कर्मचारियों के संबंधों पर निर्भर करता है, ये जो वर्कर रहते हैं इनके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। यदि कर्मचारी के मध्य संबंध को स्पष्ट कर दिया जाता है, अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्कर्स के बीच में आपका जो रिलेशन है अगर वो आप क्लियर कर देते होगे तो इसे क्या बोला जाता है, फॉर्मल औपचारिक बोला जाता है। बट अगर इनके बीच का रिलेशन नहीं बताया जाता है, इनके बीच के काम नहीं बताए जाते हैंगे, ठीक है ना, तो उसे बोला जाता है अनौपचारिक या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर और आगे दे रखा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। औपचारिक संगठन में कर्मचारियों के मध्य संबंध पूर्व परिभाषित कर दिए जाते हैंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या करा जाता है कि जो इम्प्लॉयज़ होते हैंगे उनके बीच में क्या करा जाता है कि पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती है, मतलब उनके बीच के पूरे रिलेशनशिप, उनके गोल्स, उनके वर्क, सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी जाती है। इसका अभिप्राय ऐसे संगठन जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के कर्तव्य, अधिकार एवं संबंधों को स्पष्ट कर दे, मैं उनके कौन कौन से कर्तव्य है, उनके कौन कौन से लाइबिलिटीज रहेगी, ये सारी चीज़ें उनको सौंप दी जाती है। यह संगठन वैधानिक तथा विवेकपूर्ण तरीके से स्थापित है, ठीक है ना, वैधानिक मतलब लीगल तरीके से बनाए जाते हैंगे और विवेकपूर्ण मतलब अच्छे से बनाए जाते हैं। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को इस बात की जानकारी रहती है कि उसका अधिकारी कौन होगा। अब बनी बात है, यहाँ तो रिलेशन की बात हो रही होगी, तो हर इम्प्लॉय को, हर वर्कर को अपने अधिकारी के बारे में जानकारी होगी कि भैया मुझे, अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे किस अधिकारी को कंप्लेन करना चाहिए, किस अधिकारी से मुझे राय लेनी चाहिए, किस व्यक्ति से मुझे जानकारी ले, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, तथा इसके अधीनस्थ कौन हैगा और मेरे अंडर कौन व्यक्ति काम कर रहा है ये भी पता हो चाहिए। एक इम्प्लॉई हैगा उसके ऊपर कौन व्यक्ति बैठा हुआ हैगा जिससे वो सलाह मशवरा कर सके, और उसके नीचे कौन व्यक्ति बैठा है जिसको वो आदेश दे सके, ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अर्थात यह संगठन विभिन्न कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक संबंध संस्था के नियमों तथा नीतियों के अनुसार पूर्व निर्धारित होते हैं, ठीक है ना। ये वाले जो नियम होते हैं, ये संगठन होता है फॉर्मल वाला, इसके अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं इनके आपस में रिलेशनशिप बनाया जाता हैगा, ठीक है ना, ये पारस्परिक संबंध के बीच में काम करते हैं। संस्था के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के नियम हैंगे, कानून हैंगे, रूल हैंगे, सारी चीज़ें ये फॉलो करते हैंगे। नेक्स्ट आता हैगा हमारा
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं कि अनौपचारिक संगठन, यह औपचारिक संगठन के बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है ना। जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिल्कुल अपोजिट इसे बनाया जाता है। इसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती है। इस संगठन की स्थापना पारस्परिक संबंध, रुचियों तथा समान हितों के कारण प्राकृतिक रूप से हो जाती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी बनाया नहीं जाता है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक नेचुरल तरीके से बन जाता है जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। जरूरत रहती है कि उस हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी बन जाती है। इस संगठन में लिखित नियम एवं कार्यविधियाँ नहीं होती है। यहाँ पर किसी भी तरह के कोई रूल रेगुलेशन यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है ना। कोई मेथड है, ना कोई रूल हैंगे। इस सब प्रकार इस संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता मैत्रीपूर्ण एवं सहयोग की भावना होती है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट की बात करते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं, इनफॉर्मल में ना किसी तरह का कोई रिलेशन है इनके बीच में, ना कोई रूल है, ठीक है ना, ना कोई मेथड है। अब यहाँ पर क्या है, आपसे कोई काम कर रहा है, हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, तो यहाँ पर हमारा मेन चीज़ क्या आ जाएगी, मैत्रीपूर्ण भाव, ठीक है ना। मतलब आपसे सहयोग करना, समाज की सेवा करना, या फिर किसी भी तरह की बात आ सकती है। नेक्स्ट, जिसे अनन्या संबंध स्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटे कर्मचारी द्वारा सोपान श्रृंखला की अवहेलना कर वह सीधे प्रबंधक से बात कर सकता है। सरल शब्दों में, अनौपचारिक संगठन व्यक्तियों के पद एवं स्तर को अनदेखा करके रुचि, आदतों एवं विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मल में क्या था कि भैया इम्प्लॉई है उसके ऊपर जो मैनेजर बैठा रखे हैं, जो अधिकारी बैठा रखे हैं, वो वहीं तक जाकर उनसे सीमित था, ठीक है ना। कि भैया मैं कोई कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरे जो ऊपर हेड होंगे, ठीक है, मैनेजर होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कंप्लेन होगी, तो मैं उनसे जाके करूँगा, ठीक है ना। बट अगर उन्हीं मैनेजर से मुझे कंप्लेन है तो मैं किससे करूँ, यहाँ का कोई ऑप्शन नहीं था। बट यहाँ पर इनफॉर्मल में ये चीज़ है कि मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने ही मैनेजर से कंप्लेन करूँ, मैं जाकर अपने कंपनी के ऑनर से भी कर सकता हूँ, CEO से भी कर सकता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं अपनी कंप्लेन किसी से भी कर सकता हूँ, ये मेरे को फुल छूट है यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। फॉर्मल में ये था कि आपको सिर्फ अपने अधिकारी तक सीमित रहना है, बट यहाँ पर आप अपने अधिकारी से ऊपर भी पोस्ट पे जाकर कंप्लेन कर सकते हो उन लोगों को अनदेखा करके। हाँ, ये चीज़ होती है कभी कभी, क्या हमारा जो अधिकारी हैगा, ठीक है ना, जो हमारे डिपार्टमेंट का हेड हैगा, हम उसको अनदेखा करके दूसरे डिपार्टमेंट के हेड या फिर किसी और व्यक्ति से कंप्लेन कर रहे तो अच्छा नहीं होता, बट कभी कभी ये चीज़ भी जरूरी होती है। फॉर्मल इनफॉर्मल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत। अब कौन कौन से होते हैं, पहला है क्रियाओं का समूहीकरण, कामों का एकत्रीकरण बोल सकते हैं आप। एक सफल व्यवसायिक संगठन का प्रथम सिद्धांत उद्योग या व्यापार से संबंधित कार्य को विभिन्न भागों एवं उपभागों में बांट देना होता है, ताकि वह कार्य भली भांति कर सके, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला जो सिद्धांत या प्रिंसिपल बोलते हैं वो बोला जाता है कार्य के विभिन्न भागों को उपभागों में बांट देना। जितने भी काम हैंगे उसको अलग अलग डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट में बांट देना। इससे क्या होता है कि भैया जो काम हैगा एक साथ ना होंगे, सारे काम अलग अलग होने लग जाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग होंगे तो काम ऑटोमेटिक व्यवस्थित होगा सही तरीके से। अब सारे काम अगर एक ही जगह करवाओगे या फिर एक ही जैसे करवाओगे तो सभी व्यक्ति एम्प्लॉयज कन्फ्यूज रहेंगे, कौन सा काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। इसीलिए सारे कामों को आपको उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देना चाहिए। नेक्स्ट है योग्यता अनुसार कार्य वितरण। अब योग्यता अनुसार ये बनी बात है कि जो व्यक्ति जिस काम की योग्यता रखता है, कैपेसिटी रखता है, आपको उसको वही काम देना चाहिए, ठीक है ना। किसी को मशीन चलाते आती है तो आप मशीन का काम दीजिए, किसी को पैकिंग करने में माहिर है तो उसे पैकिंग का काम दीजिए, किसी को मार्केटिंग का नॉलेज है तो उसे मार्केटिंग का काम दीजिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हर एम्प्लॉयज़ को आपको उसके काम के हिसाब से ही, सॉरी, उसके एक्सपीरियंस, उसकी योग्यता, उसके हिसाब से ही उसे काम देना चाहिए, ताकि वो उसे मन लगा कर। नेक्स्ट आता है अधिकार प्रदान करना। अब आपको क्या करना है, आपने काम बांट दिया अलग अलग, ठीक है ना, सबको अपनी अपनी पसंद का काम भी दी, अब उस काम की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर कर दीजिए, ठीक है ना। कि भैया आपको ये मशीन की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आपका मनपसंद काम है, मैंने आपको दे दिया, अब इसकी जिम्मेदारी भी आपकी हैगी, पूरा अधिकार आपके ऊपर हैगा, ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी हैगी। अगर मशीन से इतना काम नहीं निकलता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, आपकी रहेगी।
नेक्स्ट आता है नियम तरण का सीमित क्षेत्र। अब आपने जो काम उनको दे दिया है ठीक है ना, जैसे आपने अधिकार बांट दिया उसको कि भैया आज से इस मशीन पर मैंने आपको बिठाया है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी हैगी, ठीक है ना, यहाँ पर कैसे काम करवाना है इसका राइट इसका अधिकार आपके पास है। नेक्स्ट देगा, अब उस व्यक्ति को अधिकार देने के बाद में आप उस जगह से हट जाइए, ठीक है ना, उस पर उतना ही नियंत्रण उतना ही कंट्रोल करिए या फिर कीजिए जितना जरूरी हो, इससे ज़्यादा उस पर कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता नहीं हैगी। अगर आप ज़्यादा उसके काम में इंटरफेयर करोगे या फिर बार बार उसे सॉरी बोल सकते हैं कि परेशान करोगे या फिर बार बार बताओगे तो वो व्यक्ति काम को शायद इंटरेस्ट के साथ ना कर पाए, क्योंकि आपने उसको पहले ही अधिकार राइट उसके सौंप दिए कि मशीन की पूरी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। फिर भी अगर आप बार बार आके उनको प्रॉब्लम करोगे या फिर उनके साथ में इंटरफेयर करोगे उनके काम में तो वो शायद वो काम को दिल लगा के या मन लगा के काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है उत्तरदायित्व का निर्धारण। आपने काम भी बांट दिया ठीक है ना, उनको पसंद का काम भी दे दिया, आपने अधिकार भी दे दिए, उनके ऊपर से अपना जो कंट्रोल था उसको भी लिमिटेड, अब आप क्या करो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, उत्तरदायित्व सौंप दो, ठीक है ना, कि भैया ये मशीन तो मैंने आपको दे दी, मैं आपके काम में भी कभी इंटरफेयर नहीं करूँगा, बट मुझे ये काम परफेक्ट और अच्छे से चाहिए। अगर ये काम में मिस्टेक होती है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ठीक है ना, हम लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे आपसे ना तब बाद में, बट अगर काम में कोई प्रॉब्लम होती है कोई गड़बड़ होती है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। तो इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन के सिद्धांत भी हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण या भार्यार्पण। व्यवसाय में प्रबंध द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय क्रियाओं को संपन्न करना पड़ता है, विभिन्नता लिए इन समस्त क्रियाओं को कोई एक प्रबंधक या अधिकारी पूर्ण नहीं करवा सकता है। इसके लिए आवश्यक है क्रियाओं के सॉरी कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों में बांट दिया ताकि कार्य समय पर कुशलतापूर्वक संपन्न हो सके। अब मेन चीज क्या आती है कि कोई भी काम आप ये बोल सकते हो किसी भी तरह कोई काम कोई एक अधिकारी या दो अधिकारी मिलकर उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बोल सकता हूँ कोई डिपार्टमेंट है कोई फर्म है हमारी तो वहाँ पर हम पॉसिबल एक मैनेजर रख लिया है तो वो सारी कंपनी को चला पाएगा क्या, नहीं पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारी कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है हमारे साथ में, या फिर एक छोटी सी दुकान भी ले लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक दुकान ले लेते हैं, भैया सारा काम उस सर दुकान का मालिक सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेगा क्या, माल भी बेच लेगा वो एडवर्टाइज भी कर लेगा बाजार भी चले जाएगा सब चीज़ कर लेगा, पॉसिबल है क्या, नहीं होगा। अगर उसे एडवर्टाइज करना होगा तो दुकान मंगल करके बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, बोर्ड वोड लगवाने के लिए मार्केट जाना है तो दुकान मंगल करके जाना पड़ेगा उसे, कभी भीड़ पड़ गई तो अकेला कैसे हैंडल करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है कि एक व्यक्ति है एक एम्प्लॉय सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये रहता है कि आप अपने से नीचे जितने भी वर्कर हैं एम्प्लॉयज़ हैं सबको अपना अपना काम बांट के अपने अपने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दो, ठीक है ना। अब क्या रहता है फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक डिपार्टमेंट का ले लेते हैं, जैसे कपड़े बनाने की फैक्ट्री, ठीक है ना, कपड़ा जो बनता है सॉरी कपड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग बनते हैं शर्ट या पेंट बनती है तो फर्म एक ही रहती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रहता है जो ऑनर रहता है अब उसको पता है कि यार मैं अकेला व्यक्ति क्या क्या काम करूँगा, मार्केट से माल भी मंगवाऊंगा बनवाऊंगा भी सही, ऑर्डर भी लेकर आऊंगा उनको बेचूंगा भी सही, डिलीवरी भी करवाऊंगा, तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अकेले कैसे उठाएगा, पॉसिबल नहीं। चलो ठीक है उसने मैनेजर भी रख दिया तो भी इतनी सारी पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि इतना सारा काम है अलग अलग डिपार्टमेंट के सारे काम एक तरीके नहीं हो पाते, इसीलिए ये सारे कामों को क्या कर दिया जाता है बांट दिया जाता अलग अलग। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यही बोलती है कि इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्य को विभिन्न व्यक्तियों में बांट दिया जाए ताकि कार्य समय पर कुशलतापूर्वक संपन्न हो सके। आप अपने कार्य जितने भी उसको बांट दो अलग अलग और ताकि आपका काम अच्छे से हो। इस प्रकार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ 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 अपने अधिकार एवं दायित्वों को भी व्यक्तियों में वितरित करने की प्रक्रिया अधिकार अंतरण की प्रक्रिया कहलाती है। कि आप अपने
काम तो आपने बांट दिया, मैंने मेरा काम हैगा भैया, मैं किसी कंपनी किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, तो उसमें मैंने इम्प्लॉइज को अपने अपने वर्करों को सबको काम बांट दिया हैगा, ठीक है ना। काम बांटने के बाद में मुझे मेरे जो इतने अधिकार हैंगे, ठीक है ना, जितनी जिम्मेदारी है वो भी उनको देना ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाएगा भैया। पहली बात है, मैं मेरा काम अगर दूसरों के साथ में बांटूंगा, उनसे अपना काम करवाऊँगा, तो उनको साथ में अधिकार भी दूंगा, ठीक है ना, अधिकार दूंगा तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की रहेगी। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, या फिर अधिकार अंतरण या भार्यार्पण बोल सकते हैं। व्यवसाय के विस्तार के साथ साथ कार्य का प्रसार भी होता है, अतः एक अधिकारी के लिए अपनी सभी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करना कठिन हो जाता है। बनी बात है, बिजनेस जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका काम भी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए एक अधिकारी के द्वारा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पॉसिबल नहीं होता है। इस प्रकार कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि अधिकारी अपने प्रतिदिन होने वाले कार्यों को किन्हीं योग्य कुशल एवं ईमानदार व्यक्तियों के सुप्रत कर दे। अब ये जरूरी है कि भैया इसी प्रकार कुशलतापूर्वक काम को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपने अधिकारी अपने प्रतिदिन होने वाले कार्यों को किन्हीं योग्य कुशल एवं ईमानदार व्यक्तियों को सुप्रत कर दे, ठीक है ना। जितने भी डिपार्टमेंट में ईमानदार होंगे, अच्छे लोगों के जो काम को करते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को वो काम की जिम्मेदारी दे दी जाए। इसी के साथ अपने अधिकार एवं दायित्व भी उन्हें सौंप देना चाहिए। इसी के साथ क्या करना है, आपको अपनी जितने भी राइट्स है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटीज है, वो सब उनको सौंप देना चाहिए, ठीक है ना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यही है कि आप अपने एक अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों को काम देना, अपना काम उनके हिस्से बांट देना, प्लस उनको अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना क्या कहलाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आता है आपका, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। सेम टू सेम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाला ही पॉइंट है, वही सारी चीजें इसमें भी दे रखी है। विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का ही एक विकसित रूप है। इसमें उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को स्थायी एवं अधिक मात्रा में अधिकारों का अंतरण कर दिया जाता है, ठीक है ना। किसका रूप है का, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का विकसित रूप है, मतलब उससे ज्यादा अच्छा इसको डिसेंट्रलाइजेशन को बताया गया। काम सारे वही होते हैं, ठीक है ना, बट उससे ज्यादा अच्छा आएगा। इसमें उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को स्थायी एवं अधिक मात्रा में अधिकारों का अंतरण कर देगा। वहां पर एक फिक्स्ड थे, ठीक है ना, नॉर्मल अपने काम वर्करों में बांट दिया, पर यहाँ पर फिक्स्ड तरीके से अपने अधिकार उनको दे दिए जाते हैं कि आज से आपको इस डिपार्टमेंट के इस काम की पूरी जिम्मेदारी आप किएगी, उस एम्प्लॉइज को उस काम का पूरी जिम्मेदारी आप देकर वहां से फ्री हो सकते हो, ठीक है ना। सरल शब्दों में जब निर्णय लेने के लिए अधिकार नियमित रूप से उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा निम्न स्तर के प्रबंधकों को सौंपे जाते हैं, तब इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब निर्णय लेने के अधिकार नियमित रूप से उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा निम्न स्तर के प्रबंधकों को सौंपे जाते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। नॉर्मली बात है कि जिम्मेदारी सौंपना, काम करवाना, वो सारी बात अलग होती है। सबसे मेन चीज आती है कि डिसीजन लेना। डिसीजन क्यों लेना, कारण क्या आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम का मैं चीज बताता हूँ। काम तो चलो ठीक है, कोई भी कर लेता है, ठीक है ना। आपको बोल दिया गया कि आपको इतने काम करने हैं, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, ठीक है ना। आप 4 घंटे की जगह 5 घंटे काम कर लोगे, आप 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जब डिसीजन की बात आती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो आदमी के मन में एक डर सा बैठा रहता है कि उसका एक गलत डिसीजन कहीं उसके लिए या फिर कर्मचारी को दिक्कत है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है ना, काम कर रहे हैं, भैया मेरे पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है भाई, मेरे को मशीनों का देखना है, मुझे पार्ट्स मंगवाना है, मुझे गुड्स जो पैकिंग हो रहे नहीं हो रही, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को देखना है। अब यार इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कब कौन सा डिसीजन लेना है, कब किसके लिए क्या सोचना है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे किसी ने बोला कि भैया ये एक काम करना, आप मार्केट जाओ तो ये सामान ला जाएगा, मैंने हाँ ठीक है कह दिया उससे, अब नहीं ध्यान दिया, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारा काम एक साथ पॉसिबल नहीं है मैं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तब क्या होता है, इन्हीं सब कामों को करने के लिए अलग अलग एम्प्लॉइजों को जिम्मेदारी दे दी जाती है। जैसे क्या रहता है, मशीन का काम होता है,
जैसे सिलाई के काम की बात कर लेते हैं हम लोग। अब क्या रहता है इसमें, मैं धागे लाना है, माल बाजार से लेकर आना है, माल जमा करके आना है, लाइट का देखना है, मतलब सब चीज़ें मशीनों का काम देखना है, बहुत सारे काम होते हैं। अब एक ही व्यक्ति को बोल दिया जाए इधर से, मतलब 50 एक काम कर रहा है, 50 वर्कर काम कर रहा है, अब एक ही व्यक्ति होना ठीक है, कोई मैनेजर भी कोई सुपरवाइजर, अब उसकी जिम्मेदारी कितनी होगी, वह माल लेकर आना, माल को घड़ी करना, जमा करके आना ठीक है ना, धागे लाना, मशीन का तेल लाना, मशीन को प्रॉब्लम हो जाए तो वो सही कर। अब वो एक व्यक्ति दिन भर बिजी हो जाता है ठीक है, किसी एम्प्लॉय ने बोला भैया ये दिक्कत आ रही है कि आप कर रहे हैं, अब उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो अब 50 मशीनों में आप क्या करा जाता है, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है ठीक है, एक व्यक्ति को दे दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरी मशीन में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, इन मशीनों को सही करना, कैसे देख रेख करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। दूसरी, एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप मार्केट से माल लाने का डिपार्टमेंट आपका है ठीक है ना, आप बाजार जाओ, माल लेकर आओ, ऑर्डर आए लाकर यहाँ रखो ठीक है ना। तीसरे व्यक्ति को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी कि माल कंप्लीट होने के बाद में जितना भी माल बन रहा है हमारे यहाँ कंप्लीट होने के बाद में उसको पैक करके रखना और दुकान पर पहुँचा के आना, गोडाउन या फिर जहाँ पर माल बन रहा है वहाँ तक पहुँचा के आना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एक व्यक्ति को आपने जिम्मेदारी दी थी कि भैया मार्केट का जो भी काम होगा वो आपको देखना है, भाई धागे लाने हैं, कुछ भी सामान जो लग रहा है, कालर कप वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको ही लानी है, हम नहीं जाएंगे जो ठीक है ना। अब भैया सारे डिपार्टमेंट सारे काम हमने बांट दिए उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या हो गया, मैनेजर जो अधिकारी है वो फ्री हो गया ठीक है ना। अब उसको इतने सारे काम नहीं देखनेंगे, उसको इतने सारे काम नहीं देखने, उसको क्या देखना है, वो सिर्फ 4-5 लोगों को देखना है, भैया ये मशीनों में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इसका पेमेंट चाहिए, ये करवाना है, और ठीक है ले जाए ठीक है, भैया धागे लेकर आना, इसका पेमेंट ये, कितना माल जमा करा हमने, भैया जितना माल जमा करा, चलो ठीक है, जो ऑनर है मैनेजर है वो बिल बना के मार्केट से पेमेंट ले आएगा, वर्करों का हिसाब किताब देख लेगा, तो मतलब वो अपने आधे अधिकारों से फ्री हो गया है, सब उसने बांट दिए। तो इसे ही बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ना, विकेंद्रीकरण। इसी का छोटा रूप कौन सा था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और इसी का क्या रूप बना दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन। इसी के साथ आपका ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।